कैसा पता चलेगा गर्म हुआ? तब समझ लेना कि आपका जीरा पट से गर्म हो गया। ओके, छट और पट और छटापट, इसी से खाना बन जाता है। छटपट छटापट और चटपटा खाना बन जाता है। तो देखिए, एक इंसान ऑनियन कट करने में बहुत बिजी है, जिसका ऑनियन इधर उधर छिड़क के जा रहा है। तो इंसान आज कुछ बनाने के प्लान में है। क्या बना रहे हो इंसान? इंसान, अच्छा। हाय फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाला हूँ पनीर। एनी गेसेस? 1 2 3 पनीर बटर मसाला। नहीं, घर में बटर नहीं है। बनाने वाला हूँ पनीर, और मेरे मसाले देखो, कुछ भी डालो, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। ये देखिए कितने सारे मसाले निकाला है फ्रिज से, बता है। सारे मसाले निकाल लिया है। नहीं, जो सीखा हूँ बैचलर लाइफ से ही, थोड़ा कुछ सीखा हूँ। तो बैचलर लाइफ में ज्यादा टेंशन नहीं रहता कि रेसिपी को ऐसे ही फॉलो करो, ऐसे सिस्टमेटिक वे से ऑनियन को फ्राई करो। जितना कम टाइम में जितना अच्छा खाना बना सके, जितना ज्यादा बना सके वो इम्पोर्टेंट, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ रहते ना, बहुत लोगों के साथ, तो मजा आता है। बहुत टाइम ऐसा भी हुआ है कि हम लोग कुछ नहीं बना पाए और भूख लग गया, व्हाइट राइस बनाए, वो भी स्पेशली इलेक्ट्रिक कुकर, राइस कुकर से व्हाइट राइस बनाए, उसके ऊपर घी डाले और पिकल डाले, मिक्स करके खा लिए। नहीं तो जब टाइम रहता है ऐसे सब टाइम पास करते रहते हैं। तो उसी तरह से मैं खाना बनाता हूँ। मैं कुछ ऐसा पर्टिकुलर रेसिपी फॉलो नहीं करता हूँ, इनफैक्ट मैं याद ही नहीं रखता हूँ रेसिपी। तो ये आपकी ड्यूटी है, खाना अच्छा बनता है तो रेसिपी नोट करो और बनाओ, क्योंकि मैं जो भी बनाता हूँ दिल से बनाता हूँ, दिमाग से नहीं। एंजॉय, आइए। और जो ऑनियन, मैंने ऑनियन कट किया है, हाँ, सिस्टमेटिक वैसे नहीं, जिगजैग वैसे। एक बात बोल सकता हूँ कि मेरी बेटी मेरे से भी अच्छा ऑनियन कट कर लेती है। मेरा है कैसे भी फ्राई होगा ना अंदर, बाद में पेस्टी हो जाएगा। तो अभी जो है ना, हेड शेफ को हेल्प करने के लिए आई है हमारी जूनियर शेफ। तो दोनों मिलके आज किचन का रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। तो ये लोग तो खाना बनाएंगे 1 घंटा, उसके बाद किचन का जो बाकी काम करने के लिए लगेगा मुझे 6 घंटा। मतलब इससे अच्छा होता कि मैं ही बना लेती। ठीक है, चलो, उनको मन था। नहीं, हमारे वजह से यू विल लर्न पेशेंस। हाँ, पेशेंस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, इमीडिएट रिएक्ट नहीं, पेशेंस। मतलब कैसे भी मैं कुछ भी बोलू सुन लो बस। अच्छा, ऑनियन तो मैंने कट कर लिया, अभी मैं क्या करूंगा, पनीर लूंगा। अभी इसमें डालना है, पनीर में थोड़ा नमक, हल्दी और रेड चिली पाउडर डालना है, फिर बाद में उसको फ्राई करना है। डालिए चमचा, का वेयर इज द स्पून? ओके, हल्दी, इतना कैंडी के लिए खाना बना रहे इंसान देख रहे हैं, पनीर क्वांटिटी देख रहे हैं ना? हाँ, दो बड़े बड़े शेफ किचन में घुसे हैं अभी। हाँ, लेकिन क्वांटिटी मेरे है तो परफेक्ट करता है, बेटिया के अपने हिसाब से क्वांटिटी डाल। हाँ, पड़ेगा कैसे भी बना, फिर बेटी की गलती हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बेटी पे गलती नहीं डालता। आई ओन दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी। और नमक स्वाद अनुसार। अभी प्रॉब्लम यही है, इसमें एक बड़ा डिबेट चल रहा है मेरे और मेरे वाइफ का। हाँ। उसको ज्यादा नमक पसंद है और मुझे कम नमक नहीं लगता है ज्यादा, ऐसा वो बोलती है। हम दोनों के बीच में डिबेट क्या है पता है, कि मैं कुछ खाना बना रही हूँ, मतलब बनाई सपोज कभी कभार, तो क्या होता है ना कि बेटी और मुझे परफेक्ट लग रहा है, बट मेरे हस्बैंड क्या बोल रहे हैं पता है, कि नमक तूने ज्यादा डाला है। तो इस बार नमक ज्यादा लग रहा है। हाँ। और आज तक नहीं बोला, अभी 6-7 months में मोस्टली नमक चेंज किया है। तो हमने क्या डिसाइड किया पता है, कि कोई थर्ड पार्टी को लेके आके हम नमक का, मैं खाना बनाऊंगी, टेस्टिंग करवाएंगे और फिर देखेंगे कि किसकी बात सही है। कुछ नहीं हो सकता है, ये डिबेट आपको ही पता है, पति पत्नी का डिबेट खत्म नहीं होता, मिस्ट्री है, मिस्ट्री। इसलिए कभी देखा है आपने डिटेक्टिव सीरियल्स में कभी पति पत्नी का डिबेट सॉल्व करने में लगा है? नहीं, हो ही नहीं सकता। इसलिए एंड में आप ही महान होने तो खाना बंद हो जाएगा। और इस डिबेट के टाइम क्या होता है, मेरी बेटी किसके साइड लेगी समझ नहीं पाती है, वो बोलती है हाँ तुम्हारा ठीक है, और उसके पापा को बोलती है तुम्हारा भी ठीक है। ये देखिए, एकदम पास से आप लोगों को दिखाती हूँ मैरिनेशन। देखिए कितना अच्छा मैरिनेट किया है उसने, सो टेम्पटिंग। अभी खा जा, फिर इसी को ही हम खा लेते, हो गया ना, रहेगा किचन में खाना बनाने का झमेला, किचन भी गंदा नहीं होगा। धो के आता हूँ।
अभी बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है, जुड़े रहना, लिख रहे हो ना रेसिपी, पैन लेना, इसको रखिए, पैन लेना, ओके, डालिए, बहुत ज्यादा तेल डालिए क्योंकि हम बनाने वाले ढाबा स्टाइल पनीर जिसमें ज्यादा तेल और मसाले रहेंगे। हाँ, आपको पता चल गया ढाबा स्टाइल बोले तो क्या है। और तेल डालने के बाद गरम होना इम्पोर्टेंट है, इसलिए एक मिनट वेट कीजिए इसको गरम होने के लिए। ओके, कैसा पता चलेगा गरम हुआ? देखिए कुछ नहीं हुआ क्योंकि तेल ठंडा था, ठंडा इसलिए था क्योंकि गैस ऑन करना ही भूल गया था। ये बता रहा हूँ क्योंकि बेटी अभी खाना सीख रही है, सो शी शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल कुकिंग। ओके, ओनली टेलिंग, ओनली टेलिंग, ओनली टेलिंग एंड खाइंग, सम जोकिंग, सम जोकिंग एंड आफ्टर दैट खाइंग, खाइंग इज मस्ट फॉर कुकिंग। तो मैंने अभी गैस ऑन किया है, अभी तेल गरम करने के लिए रखा हूँ। कैसा गरम हुआ चेक करने का एक मेथड आपको बताऊंगा जो इजी है और समझ सकते हैं। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट। जो पूर्वजों से चला है हिस्ट्री, महाराजा, ग्रेट ग्रेट महाराजा से चला है कि कैसे चेक करना है कि तेल गरम हुआ है कि नहीं। एक तो बबल आएगा वो साइंटिफिकली, लेकिन हमारे तरफ से बोलूंगा। देखिए तेल गरम होने के बाद एक साउंड आएगा, चट 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 चट, उसका साउंड अगर सुनाई नहीं दे रहा है तो आप जीरा डालिए। देखिए और ज्यादा साउंड आएगा, इससे पता चलेगा तेल गरम है। कभी उंगली मत डालना। ओके, गॉट इट? ओके, फ्रॉम नेक्स्ट आई विल डू लाइक दिस वन। अच्छा, हेल्पिंग बोले तो क्या है, यू शुड हेल्प। व्हाट? देख के देख के मारने के जैसा खड़ा होने में चलता नहीं यहाँ पे। ओके, तो इसको पहले ले लो। हाँ, पुट पनीर हियर। हाँ, स्लोली स्लोली पुट पनीर। मैडम जी थोड़ा फास्ट करेंगे, नहीं तो कल सुबह तक ये पनीर ही डालना होगा हमारा। और देखिए आप, मतलब कितने ऊपर से पनीर गिर रहा है, तेल गिर रहा है। बी केयरफुल, तेल हाथ में नहीं गिरना चाहिए। हाँ, वेरी गुड। हाँ, गिर गया पनीर कढ़ाई में। पनीर मैरिनेट किया है, इसको अच्छे तरह से थोड़ा फ्राई करना है। इट शुड टर्न इनटू गोल्डन ब्राउन और बिट रेडिश कलर, तो टाइम लगेगा। आप लोग जाइए मत, जुड़े रहिए क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है बनाते टाइम बोर हो जाता है, स्टॉप कर देंगे, तो एक स्टॉपिंग पॉइंट बोलता हूँ जहाँ पे आपको लगा कि अगर मुझे पनीर रेसिपी कंटिन्यू नहीं करना है लेकिन पनीर को एंजॉय करना है तो कर सकते हैं। हाँ, मतलब ये सब आइडिया तेरे पास ही रहते हैं, पता नहीं, मतलब तेरे पास ही है ये सब यूनिक आइडियाज। एट द एंड पनीर को एंजॉय करना है, मतलब पनीर खाना इम्पोर्टेंट है। मसाला भी खाओ या कच्चा ही खा लो, कच्चा ही खा लेते ना, ऐसा थोड़ी होता है, थोड़ा तो टेस्ट रहना चाहिए। हैंडल थोड़ा ढीला गिर गया, चाय का हैंडल ढीला, पैन का हैंडल ढीला। अच्छा बताइए किसके घर में ऐसा नहीं होता है, पैन का हैंडल ढीला, चाय का हैंडल ढीला, जो सिस्टमेटिक वे से। हाँ, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नाइफ लेके घुमाते रहते हैं, टाइट देते हैं, यूज करते हैं। ये सब किचन, ये सब किचन प्रोसेस है, किचन हैक्स, किचन हैक्स। जब तक पनीर फ्राई हो रहा है इस पैन में मैं ग्रेवी बना लेता हूँ ऑयल डाल के, क्योंकि ऑनियन सॉटे करने के लिए, फ्राई होने करने के लिए, कैरामलाइज्ड होने के लिए टाइम लगेगा ना। बाबा व्हाट देखा आप लोगों ने उसके, कैरामलाइज्ड, ये सब तो मुझे और नहीं। ओके, इंग्लिश चलो, थोड़ा ऑयल डालो, थोड़ा नहीं ज्यादा ऑयल डालो। मतलब यहाँ पे जो पनीर फ्राई कर रहा है ये ऑयल तो है ही। ओ हाँ, उसको ठीक है, चलता है। ऊपर से और थोड़ा ऑयल डाल देंगे, है ना। क्या कर सकते हैं, ऑयल बिना तो खाना नहीं बनता है। अभी यहाँ पे पैन, और पैन में ऑयल डाल दिया, ऑयल गरम हो गया तो जीरा डाल दूंगा। क्रैकलिंग साउंड आएगा, चट 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 चट, तब समझ लेना कि आपका जीरा पट 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 से गरम हो गया। ओके, छट और पट, और छटापट, इसी से खाना बन जाता है, चटपट छटापट। और चटपटा खाना बन जाता है, चटपट छटापट से चटपटा खाना। ऑनियन कट किया, उसमें डालो, ठीक तरह से ऑनियन डालो, जो एक छोटा एक बड़ा।
देख रहे हो आप लोग ऑनियन का शेप देख रहे हो, तो डिजाइनर स्टाइल बोलते हैं। हाँ। तुम लोग क्या सोचेंगे, तुम लोग एक ही देख के एक पे चल रहे हो। ओके यू शुड ट्राई वैरायटीज। मैं बड़ा ऑनियन भी रखा हूँ साथ में, क्योंकि छोटे ऑनियन है ना फ्राई करके सॉटे करते टाइम पे ना पेस्ट हो जाते हैं, और खाते टाइम पे एक बड़ा ऑनियन आया ना, वाह ग्रेवी में से। हाँ तो आप लोग को ट्रिक्स पता चला ना। आप क्या करना, दो ऑनियन लेना, एक उसमें से एक को बड़ा कट करना, एक को छोटा कट करना, और उसके बाद दोनों को मिक्स करके डालना। तो छोटा अनियन पिघल भी गया ना, बड़ा अनियन आपके मुंह में आएगा। मतलब हाँ। आपको इतने अच्छे आइडिया सिर्फ ये इससे ही मिल सकता है मेरे हस्बैंड से। अगर ये हिट हो गया तो मैं सोच रहा हूँ कुकिंग चैनल स्टार्ट करूँ जिसमें तू खाना बनाएगा। ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने, बोला कुकिंग चैनल स्टार्ट। अच्छा ये बन गया, देखिए यहाँ पे फ्राइड हो गया, इधर गोल्डन ब्राउन प्लस डार्क ब्राउन रेड सभी कलर आ जाएंगे इसमें। ये देखिए अभी क्या हो गया, टर्मरिक थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो उसमें हल्दी ज़्यादा होने से क्या होता है ब्राउन दिखने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन समझ जाना। देखिए ये थोड़ा टफ, ये ऑनियन चल रहा है, ऑनियन सॉटे चल रहा है, ऑनियन फ्राई चल रहा है। ओके मिस्टर बता चल रहा है ना कैसे चल रहा है प्रोसेस। सो टुडे इज योर लर्निंग डे। ये गोल्डन ब्राउन और रेडिश कलर में टर्न हो गया। देखिए ये बन गया है ना, पैरेलल में ग्रेवी बना रहा हूँ। अगर आपको लगा कि मुझे यहीं पे स्टॉप करना है किसी कारण, किसी वजह या किसी रीजन से, जैसे फ्रेंड्स आ गए या फिर ऑफिस का कॉल आ गया या फिर बोर हो गए, और लेकिन पनीर खाने का इच्छा है इमिडिएटली, तो क्या कर सकते हो आप, ये पनीर इसको लो और इसके ऊपर सॉस डालो और एंजॉय करो। मतलब वो हर एक पॉइंट पे आपको स्टॉपिंग पॉइंट बोलता रहेगा, मतलब खाना बनाने इसके बाद स्टॉप नहीं कर सकते। अभी ये जो है यही स्टार्टर, ये स्टार्टर पॉइंट है ना स्टॉपिंग, इसको हम स्टार्टर बोल के खा सकते हैं। हाँ। स्टॉपिंग पॉइंट मसाला बनने के बाद बहुत लोग हो जाता है यार, मूड चला जाता है, चलो यार इसमें खा ले, पनीर खाने का मन है, चलो ये भी अच्छा है, तो कितना अच्छा बना है। मतलब जैसे कि देखिए चावल लिया आपने, मन हो गया गर्म है, स्टॉपिंग पॉइंट ठंडा ठंडा मौसम, गर्म गर्म पनीर। नहीं आपको जैसे कि लगा चावल लिया आपने और ठीक है अभी राइस बनाने का मन नहीं है, तो कच्चा चावल को क्या करेंगे? कच्चा चावल तो मैंने नहीं बनाया बोला, अगर आपको चावल और दाल बनाने का मन है, चावल बना लिया और आपका मन चला गया दाल ना बनाए, तो क्या कर सकते हो आप, उसी चावल को घी और पिकल डाल के खा सकते हो। अच्छा चावल के साथ कुछ भी नहीं कर सकते हम, कच्चा चावल तो नहीं खा सकते, आई डोंट एडवाइज इट। शेफ ने एडवाइस नहीं किया है कच्चा चावल खाने के लिए, ये सब बैचलर हैक्स है हमारे। बैचलर में बहुत कुछ काम रहता है हमारा, अभी भी वैसी है, बैचलर लाइफ में बहुत कुछ काम रहता है, इंटरेस्ट चला जाता है, मूवी आइस हो रहता है, उसके अच्छे सॉन्ग्स आइस हो रहता है, सॉन्ग सुने, मूवी देखे, सीरीज देखे, फ्रेंड्स का फोन आ जाता है, बोलते यार पार्टी करो आ जाओ, जाना पड़ता है। और यहाँ पे जूनियर शेफ खड़े होके ऐसे बोर हो रही है, जूनियर शेफ बोल रही है कि मैं क्या करूं अभी नेक्स्ट, मेरा पार्ट क्या है। तो जूनियर शेफ यू कैन गो एंड टेक लिटिल बिट रेस्ट, ओके लेट द हेड शेफ कुक। ये होने के बाद मैं बुलाऊंगा यू एंड मदर कैन क्लीन द गैस वेल, ओके आई नीड टू सी नीट एंड क्लीन। सर खाना बनाना इंपॉर्टेंट है, कीपिंग द गैस क्लीन वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग प्लीज बोर मत हो जाए, मैं ऐसे बकते रहता हूँ, क्योंकि मुझे डायरेक्ट कुकिंग शो नहीं बनाना है, इसमें थोड़ा कॉमेडी थोड़ा ह्यूमर थोड़ा मजा भी डालना है। बन गया ना देखिए, गोल्डन ब्राउन कैरामलाइज्ड ऑनियन। अगर आपको जल्दी से करना है तो इसमें सॉल्ट डाल सकते हो, जल्दी से हो जाएगा। अभी हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, फिर इसको एटलीस्ट एक मिनट तक इस तरह से फ्राई कीजिए। आहा क्या एरोमा, व्हाट एरोमा, स्वाद। आपको आ रहा है ऑनियन गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट का स्वाद? नहीं कभी ढाबा गए हो? मस्त लगता है, हाँ बहुत अच्छा खुशबू आया, मतलब जो ऑनियन गार्लिक सौते करते टाइम जो स्मेल आता है ना, बहुत मतलब एक अच्छा सा कुछ बन रहा है वैसे ही वाला खुशबू है। आजू बाजू घर वालों को भी पता चलेगा आज स्पेशल कुछ बन रहा है इनके घर में। आप जैसे कभी बालकनी में खड़े हो तो आपको एक स्मेल आता रहेगा, तो पता चलेगा यार इनके घर में, इनके घर में मटन बन रहा है, चिकन बन रहा है, मटन बन रहा है, उसी तरह से हमारे घर में जिंजर ऑनियन गार्लिक पेस्ट का फ्राई चल रहा है।
स्वाद से और खुशबू से दुनिया है। तो अभी फील्ड में उतरी है जूनियर शेफ, और ये जो हेड शेफ है ना वो पनीर खा के भाग गया इधर से। अभी फील्ड में है जूनियर शेफ, अभी जो हेड शेफ है ना वो रेस्ट लेने गया है। पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी अभी वो जो होता है ना कि सब तुझे मैनेज करना है, जूनियर शेफ को थोड़ा मतलब ऊपर होके देखना पड़ रहा है कढ़ाई को कि ठीक से पकड़ा है कि नहीं। ये देखिए फ्राई हो गया। अभी इसमें थोड़ा सॉल्ट मसाला सब डालेंगे, सॉल्ट डालने से थोड़ा पानी छोड़ेगा तो वो ज़रूरी है। इसमें थोड़ा रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, के बाद जीरा पाउडर, उसके बाद आपके पास जो भी गरम मसाला वो डाल सकते हो। ओके, देखिए इसमें क्या क्या जा रहा होता है। इसमें जा रहा है थोड़ा राजमा मसाला थोड़ा डालिए, ज्यादा नहीं, छोले मसाले और चाट मसाला थोड़ा खट्टापन के लिए, इसे सॉटे कर लीजिए। मतलब पनीर मसाला बोलो तो आपको पता चला क्यों नाम हुआ इसका पनीर मसाला? हाँ, क्योंकि मसालाज बोला, पनीर मसाला रेसिपीज मसालाज रेसिपी। हाँ, पनीर मसालाज रेसिपीज। आपके घर में और भी कुछ मसाला रहा ना वो भी डाल दीजिए, चिकन मसाला, सब्जी मसाला। हाँ, आपके घर में अगर चिकन मसाला हो या मटन मसाला हो तो डाल सकते हो, बहुत अच्छा स्वाद देगा। तो ये करता है मतलब। हाँ, पहले ऐसा था ना, मतलब पहले क्या हो, बीच बीच में जब भी खाना बनाता है ना उसको कंपलसरी चिकन मसाला चाहिए चाहिए, क्योंकि वो पनीर की डिश बनाएगा, सोयाबीन बनाएगा या तो पुलाव भी बनाएगा ना, उसमें चिकन मसाला डाल के पुलाव बनाता है। उसमें चिकन नहीं रहता है लेकिन उसमें ज्यादा मसाला, हाँ, गरम मसाला के बहुत वर्जन रहते हैं उसमें। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें डालना है हमें टमाटर प्यूरे। सौते तो जूनियर शेफ का काम था। हाँ, बच्चों में थोड़ा चंचलता ज्यादा रहता है तो थोड़ा घूम के आती है, ये करके आती है, तो मैंने बोला थोड़ा ब्रेक ले ले, उसके बाद मैं तुझे हैंड ओवर दूंगा, तू कंटिन्यू करना खाने के लिए, नहीं बनाने के लिए। क्योंकि मुझे भी ब्रेक चाहिए, कौन एक घंटा यहाँ पे खेलता है। एक्चुअली हमारे घर में ना सबसे फेवरेट है पनीर खाने वाली मेरी बेटी। और कैंडी, और कैंडी। कभी कलर देखा है आपने? नहीं, ऐसा कलर तो मैंने देखा ही नहीं है। फ्रेंड्स, आपने कभी देखा है ऐसा कलर? सॉरी, हो ही नहीं सकता है। ये इतना ब्यूटीफुली कलरफुली बना है। आप यू टेक ओवर द चार्ज, आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स। सो अभी जूनियर शेफ फिर बैक टू पवेलियन। जूनियर शेफ थोड़ा धीरे धीरे हिलाइए, गमला ना उलट जाए। अंडर द गाइडेंस ऑफ मदर एंड फादर। मदर नहीं है, मदर का आज काम ही नहीं है। मदर सिर्फ थोड़ी देर बाद राइस बनाएगी, बस हो जाएगा आज का लंच। गाइडेंस ऑफ फादर, फादर हेड शेफ। आई एम हैंडिंग ओवर द चार्ज टू यू, राइट? उसको देखना है, बच्चे है ना। हाँ, थैंक यू मिस्टर। टमाटो का जो बचा था उसमें थोड़ा पानी मिक्स किया, इसको डालेंगे और 30-40 सेकेंड्स के लिए इसको सॉटे करेंगे। थोड़ा टमाटो केचप ऐड कीजिए इसमें, टेस्ट के लिए भी अच्छा रहेगा। थोड़ा पानी डालिए और थोड़ा जितना आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से। ठीक है, और थोड़ा ग्रेवी लगता है खाने में। देखिए ये बॉईल हो गया, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, और इसमें जो हमने पनीर फ्राई किया था उसको ऐड करना है। अभी पनीर साथ तलेंगे, पनीर साथ स्विमिंग।
ये हो रहा है, इसमें थोड़ा गरम मसाला ऐड कीजिए ताकि एक अच्छा स्मेल रहेगा। मिक्स मत कीजिए, सिर्फ ऊपर डाल के छोड़ दीजिए। और इसके ऊपर कसूरी मेथी भी चाहिए। मिस्टर जो डालेगी जूनियर शेफ, जो कि अभी खाना बनाने के एंड में एप्रॉन पहन के आई है। वाह, ग्रेट जॉब। नहीं, मिक्स नहीं करते हैं। मिक्स नहीं करते हैं। कसूरी मेथी होने के बाद उसके ऊपर ये क्लोज करके रखते हैं लिड, एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स। ये हेड शेफ का इंस्ट्रक्शन है। हाँ, क्योंकि स्मेल इम्पोर्टेंट है ना। तो 1 2 3 4 5 तो आज हम दोनों ने बनाया एक प्यारा सा टेस्टी सा यम्मी रेसिपी। आप जरूर याद रखेंगे इसको। देखिए स्पून को, ऑयल स्पाइसेस ऑनियन सब कुछ झलक रहा है। हर एक स्पून में एक बाइट मिलेगा आपको, एक टेस्ट मिलेगा, एक एरोमा मिलेगा। एंजॉय। ऑसम बना है, पता है? मतलब आप लोग ऐसा मत सोचो कि मेरे हस्बैंड है बोल के बोल रही हूँ, सच में बहुत अच्छा बना है। मतलब ये देखने के लिए भी जितना टेम्पटिंग है, खाने के लिए भी उतना ही अच्छा बना है। मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है। मतलब हम दोनों मतलब अभी टेस्ट किए, वो तो तब टेस्ट किया था तो इसीलिए अब मेरा रिव्यू देना ज़रूरी था आप लोगों को। तो बहुत अच्छा बना है। तो चलती हूँ, आज यहीं पर ख़त्म करूँगी व्लॉग को। तो उसने खाना बनाया मस्ती मजाक करके, तो मन था उसको आप लोगों के साथ शेयर करना ऐसे ही के मस्ती मजाक के साथ एक रेसिपी, तो वही शेयर किया। आप लोग भी घर में ज़रूर बनाइए और अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके बताइए। और ब्लॉग को अच्छा लगा, ब्लॉग अच्छा लगा तो ज़रूर डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो आज चलती हूँ यहीं पर, बाय।